हिसार के नारनौत से चुनावी बिगुल फूंकने के साथ ही जननायक जनता पार्टी ने नई कार्यकारिणी में पुराने और वफादार नेताओं को शुमार कर 2024 के चुनावी तेवर दिखा दिए हैं। जेजेपी ने राजनीतिक जमीन और प्रत्याशियों की तलाश शुरू कर दी है। ये तो तय हो गया है कि जेजेपी सभी 90 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का फाइनल निर्णय ले चुकी है। साथ ही नारनौत से शुरू किया गया चुनावी अभियान यहां से उम्मीदवार की ओर भी इशारा कर रहा है। नारनौत से अब की बार जेजेपी के पास अभी तक जो मजबूत चेहरे हैं, इनमें राजवीर सिंधु और अमित बुरा शामिल हैं। मौजूदा जेजेपी विधायक रामकुमार गौतम का पत्ता कटना तय है। नारनौत में नए विकल्प के साथ ही जेजेपी के अनेक नेताओं में कद की लड़ाई को ध्यान में रखते हुए वफादारों को पदोन्नत और नए पदों पर नवाजा गया है। नारनौत में रामकुमार गौतम के लिए जेजेपी में अब धरातल खिसक रहा है। पार्टी के सुप्रीमो की खिल्ली उड़ाने और अपनी बयानबाजी से पार्टी में विश्वसनीयता खो चुके रामकुमार गौतम के विकल्प के तौर पर दो मजबूत नेता जेजेपी तैयार कर रही है। इसी तरह बरवाला विधायक की छवि भी जेजेपी में अपना आधार उतना मजबूत नहीं रखती। तलवंडी राणा के धरने को लेकर फोन न उठाने के प्रकरण से खासी किरकिरी करवा चुके जोगीराम सिहाग को बेशक प्रदेश स्तरीय कार्यकारिणी में शामिल कर लिया हो, परंतु पार्टी के वफादारों की लिस्ट में उनका नाम नहीं है। ये खुद जोगीराम सिहाग और रामकुमार गौतम दोनों ही जानते हैं। इतना तय है कि जेजेपी इन दोनों मौजूदा विधायकों से ज़्यादा खुश नहीं है। दूसरी ओर नारनौत विधानसभा से भाजपा की रणनीति पर गौर करें तो कैप्टन अभिमन्यु की सक्रियता आने वाले चुनाव की तैयारियों में शुमार है, परंतु कैप्टन अभिमन्यु के लिए नारनौत विधानसभा से भाजपा में दो दावेदार और भी हैं। इनमें विजेंद्र लोहान और हेमंत शर्मा शामिल हैं। भाजपा और जेजेपी का मौजूदा गठबंधन बकौल सीएम और डिप्टी सीएम कितना भी मजबूत हो, परंतु नारनौत सीट पर जेजेपी व भाजपा दोनों ही जीत के लिए रणनीति पर पूरी तरह सक्रिय हैं। नारनौत से ही जेजेपी का चुनावी बिगुल और 90 की 90 विधानसभा पर जिताऊ प्रत्याशियों पर काम शुरू हो चुका है। आज हम हिसार के नारनौत विधानसभा पर चर्चा कर रहे हैं। अगली कड़ी में बेहद खास विधानसभा पर चर्चा करेंगे। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें व ऐसी ही रिपोर्ट के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।